सो हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली एंड ऑफिशियली ओपो ने अपना रेनो 8 सीरीज़ को कर दिया है कंफर्म। अब की बार इस सीरीज़ के अंदर ना हम लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। ओपो रेनो 8, 8 प्रो, 8 प्रो प्लस एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे 8 SE। इन चार स्मार्टफोन को 23rd of May कन्फर्म कर दिया गया है चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर ना बस यहाँ पे ओपो रेनो 8 एंड 8 प्रो को ही लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे ओपो रेनो 8 एंड 8 प्रो की कंप्लीट डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे इंडियन लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग के बारे में। सो आगे वीडियो में बने रहना एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए और हर रोज मिल पाए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज लाइक भी कर लेना। आपकी एक लाइक से ना मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस हर रोज बनाने के लिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम बातें करेंगे ओप्पो रेनो 8 सीरीज़ की फर्स्ट लुक के बारे में, डिज़ाइन डिस्प्ले के बारे में एंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम सभी को पता है ओप्पो रेनो सीरीज़ की डिज़ाइन हमेशा बेहतरीन होता है। दोस्तों देखा जाए तो ओप्पो अपना रेनो 8 सीरीज़ को भी काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन के साथ लॉन्च करेगा। वैसे तो इसका फर्स्ट लुक एंड अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह ना निकल के आ चुका है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा कुछ हम लोगों को जो है डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, कम्प्लीटली फ्लैट एजेस के साथ बॉक्सी डिज़ाइन। साइड का जो फ्रेम होगा ना एल्युमिनियम का देखने को मिलेगा, फुल्ली ग्लास बॉडी फ्रंट एंड बैक में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। पीछे ट्रिपल लेयर कैमरा, फ्रंट में हम लोगों को पंच होल कटआउट के साथ अपर लेफ्ट कॉर्नर में सिंगल सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। अब अगर डिस्प्ले के बारे में बातें करें तो दोस्तों ओप्पो रेनो 8 एंड 8 प्रो दोनों के अंदर ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने को मिल जाता है। लेकिन जो 8 है ना इसके अंदर हम लोगों को 6.43 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है जहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे ओप्पो रेनो 8 प्रो के अंदर हम लोगों को 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ 6.62 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के हिसाब से देखा जाए एंड बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो ओप्पो रेनो 8 सीरीज़ काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों अगर बातें करें इन दोनों फ़ोन्स की चिपसेट के बारे में तो ओप्पो रेनो 8 के अंदर हम लोगों को जो है ना मीडियाटेक की तरफ से डायमंड सीरीज 1300 सीरीज़ का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। बाकी LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ ओप्पो रेनो 8 देखने को मिलता है। अब अगर 8 प्रो के बारे में बातें करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को जो है ना स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ देखने को मिल जाएगा। LPDDR5X रैम रहेगा एंड दोस्तों यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन जो 7 Gen 1 चिपसेट है ना लेटेस्ट चिपसेट है, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 सीरीज से ना यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा ही बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो मीडियाटेक डायमेंसिटी जो 1300 मैक्स वाला चिपसेट है ना, इसी टाइप का परफॉर्मेंस आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चलिए अभी बातें करते हैं ओप्पो रेनो 8 एंड 8 प्रो की कैमरा के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को जो है ना सिमिलर कैमरा सेटअप, सिमिलर कैमरा सेंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। सोनी की तरफ से IMX766 कस्टम सेंसर, 50 MP मेन प्राइमरी शूटर दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का मैक्रो, लेकिन ओप्पो रेनो 8 प्रो के अंदर OIS का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलेशन। एंड दोस्तों यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 8 है ना इसके अंदर EIS का सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चलिए अभी बातें करते हैं ओप्पो रेनो 8 एंड 8 प्रो की बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को 4500 mAh की बैटरी, साथ ही साथ 80W की चार्जिंग देखने को मिलता है एंड बॉक्स के अंदर ही चार्जर देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कलर वेज यूज़र इंटरफेस एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ देखने को मिल जाएगा। USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। गाइस इसी के साथ साथ यहाँ पे हर टाइप का नेसेसरी सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइनली चलिए बातें करते हैं इस फ़ोन की लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग के बारे में। तो चाइना के अंदर इसको 23rd of May लॉन्च किया जा रहा है, इंडिया के अंदर आते आते 1 से 2 महीना लग सकता है। गाइस अभी इंतज़ार करना होगा ओप्पो रेनो 8 सीरीज़ के लिए हम लोगों को। एंड प्राइसिंग के बारे में अगर बातें करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ के चल सकते हो 30 से लेकर 35,000 के आसपास में ओप्पो अपना रेनो 8 सीरीज़ लॉन्च करेगा इंडिया के अंदर। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।